हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ द मर्सीलेस का ओरिजिन, जो कि एक नाइटमेयर बैटमैन है, बैटमैन का एक इविल वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थ -12, जहाँ पर बैटमैन डायना को अपने हाथ में लेकर कह रहा था, मुझे लगा था कि ये फाइनल वॉर है और ये वॉर थी गुड और इविल के बीच में। हम दोनों ही एक साथ लड़े थे और ये हमें खत्म करना था, लेकिन हम जानते हैं कि ये वॉर सिर्फ शुरू हुई थी। और तब हम देखते हैं डायना को ब्रूस के हाथों में। दूसरी तरफ हम अर्थ जीरो पर देखते हैं हेडक्वार्टर ऑफ आर्गस, जहाँ पर वहाँ की फैसिलिटी के मेंबर्स आपस में ये बात कर रहे थे कि जिस जगह पर वो नाइटमेयर बैटमैन है, वहाँ पर हमें एक एटॉमिक बॉम्ब गिराकर उस शहर के साथ उन सभी बैटमैन को मार देना चाहिए। और ये बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर मर्सीलेस आ जाता है, और इसके नाम से ही पता चलता है कि ये बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाला। और तब वो वहाँ आकर सब तरफ तबाही मचाने लगता है, और इसके जवाब में सुपरवाइजर लेन बॉम्बर्स को वो कोऑर्डिनेट देता है जहाँ पर वो अभी खड़े थे। और इसके बदले में ट्रेवर उसे मारते हुए कहता है, तुम पागल हो गए हो, तुमने उन्हें वो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जहाँ पर अभी हम है, हमारे साथ साथ ये पूरी सिटी भी तबाह हो जाएगी। और तभी ये कहानी फिर से अर्थ -12 पर चली जाती है, जहाँ पर एरिस गॉड ऑफ वॉर वहाँ पर आकर बैटमैन की तरफ देख रहा था, और बैटमैन गुस्से में देखते हुए उसी तरफ कह रहा था, तुम इसके लिए कीमत चुकाओगे, तुमने जो ये किया है उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। और वो उस चीज को करने की ठान लेता है जिसके लिए डायना ने उसे मना किया था, यानी कि एरिस की पावर उसके हेलमेट के जरिए बिल्ड करने की। यहाँ अर्थ जीरो पर स्टार्टोस्फीयर लोग कोऑर्डिनेट्स मिलते ही वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। और दूसरी तरफ अर्थ -12 पर बैटमैन, जो कि अब मर्सीलेस बन चुका था, वो कह रहा था, तुमने मुझसे कहा था कि ये हेलमेट मुझे करप्ट कर देगा, जब तुम्हें अपनी डेथ दिखाई दी तब तुमने मर्सी का नाम लिया, वो मर्सी जो तुमने बाकी लोगों के लिए शो नहीं की, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्यों करता। और तभी उसे ये एहसास होता है कि उसकी अर्थ भी तबाह हो रही है, जैसे कि मल्टीवर्स की सारी अर्थ धीरे धीरे करके तबाह हो रही थी। और तभी वहां पर आ जाता है बैटमैन हु लाफ्स, और वो मर्सीलेस को भी वही ऑफर देता है जो उसने सारे नाइटमेयर बैटमैन को दी थी, और वंडर वुमन की तस्वीर दिखाकर वो कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे भी पा सकते हो। जिस वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, वहाँ मर्सी के साथ साथ ये भी है, और उसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और इतना सुनते ही मर्सीलेस बारबाडोस की गैंग ज्वाइन कर लेता है। यहाँ अर्थ जीरो पर हम देखते हैं सारे नाइटमेयर बैटमैन और रॉबिन्स वहाँ पर कोर्ट ऑफ ऑल के मेंबर्स को खा रहे थे, और सारे बैटमैन आपस में डिस्कशन कर रहे थे अपने अपने काम के बारे में। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं नीचे पड़े हुए सुपरमैन और डायना को, जिसे देखकर मर्सीलेस कहता है, मैं फिर से उसे देखना नहीं चाहता, मैं उस पर नजर भी डालना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने उसे एक बार देख लिया तो मुझे वो सब कुछ याद आ जाएगा। और तब वो उसी टेंपल में घूमने लगता है और साथ ही साथ अपनी यादें भी ताजा करने लगता है। और टेंपल में घूमते वक्त उसे इस अर्थ के बैटमैन के सारे इवेंट्स दिखाई पड़ते हैं, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये बैटमैन कितना पावरफुल, स्मार्ट और इंटेलिजेंट था उन सभी से, और एक प्रॉपर बैटमैन था उन सभी के कंपैरिजन में। और तभी वहाँ पर वो स्पेसशिप एटॉमिक बॉम्ब गिराकर वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं, ये प्रे करते हुए कि नाइटमेयर बैटमैन वहीं पर तबाह हो जाए। लेकिन वहाँ के सभी लोगों को मर्सीलेस अपनी पावर्स के साथ बचा लेता है, और बचाने के बाद वो कहने लगता है, तुम्हारे वेपन्स मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, वो मेरी भूख को मिटा रहे हैं। और ये हेलमेट, जब तुमने कहा ये हेलमेट मैं अगर एक बार पहन लूं तो इसे फिर से उतारा नहीं जा सकता। और इसी के साथ साथ वो एक पत्थर पर डायना की तस्वीर बना रहा था, और साथ ही साथ कह रहा था, तुमने इस हेलमेट को मेरे सर से उतारने की कोशिश की, तुमने ऐसी करने की जरूरत की, मुझे पता था कि एरिस का वार सिर्फ तुम्हें बेहोश कर चुका है, और जब तुमने इसे उतारने की कोशिश की तो मुझे तुम्हें मारना पड़ा, और इसके लिए मैंने कोई भी मर्सी नहीं दिखाई। और अब ये वर्ल्ड जो कि मर्सी से भरा हुआ है, वो अब बारबाडोस की गुलामी करेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।